जो है बच्चे कल लेट पहुंचे थे क्या या समय पर पहुंचे हैं? जो पढ़ा लिखा होगा तो वो सब बना लेगा, जो पढ़ा लिखा अच्छा ज्यादा 300 नंबर का तैयारी करके आए थे और उतना करके जाएंगे बस। मैंने बनने का क्या लक्ष्य? नेता बनेंगे। एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, आज जो है सेकेंड डे है, कल के एग्जाम में अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे सेंटरों पे बच्चे जो है 5 या 2 मिनट लेट पहुंचे हैं तो उनको जो है एंट्री नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे जो पुलिसकर्मी जो है मेन गेट पर खड़े हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या इस सेंटर पे भी कल बच्चे जो है लेट पहुँचे हैं क्या, मतलब यहाँ पे भी सर जो है बच्चे कल लेट पहुँचे थे क्या या समय पर पहुँचे? समय पे पहुँचे, मतलब यहाँ पे कोई भी लड़का जो है लेट नहीं पहुँचा है। और अभी जो है बच्चे जो है छात्र निकल रहे हैं उनसे हम पूछते हैं कि अंदर का क्या माहौल है और किस तरह का जो है एग्ज़ाम यहाँ पे हो रहा है और पोषण का लेवल क्या है। अच्छा बताइए किस तरह का एग्जाम मतलब अंदर लिए जा रहा है? बहुत अच्छा था। पेपर का लेवल क्या है? मतलब मीडियम है, ज्यादा हाई मतलब टफ भी नहीं है और ज्यादा लो मीडियम है। तो मतलब आप कितना किए? आप कितना जो पढ़ा लिखा होगा तो वो सब बना लेगा, जो पढ़ा लिखा अच्छा मतलब एग्जाम जो है अंदर मतलब जो है कैसा चल रहा है माहौल? बढ़िया, माहौल बहुत बढ़िया है, बढ़िया है। सीट चल रहा है क्या? जो करता है वो कर ही लेगा, जो नहीं कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। तो उसे एग्जाम दे करके लेवल जो है पेपर का कैसा है? लेवल जो थोड़ा हाई था जी। अच्छा किस सब्जेक्ट का आज एग्जाम हुआ है? मैथमेटिक्स का। कितने क्वेश्चन का आप लोग सर यहाँ पे? तो यहाँ पे 70+ हो गया है। 70+ सॉल्व करके आए हैं, मतलब मैथ का आज एग्जाम है जो कि बहुत ही मतलब सिंपल है, बच्चे जो इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। कितना सॉल्व किए हैं? ऑब्जेक्टिव कितना है? 45 को 45 से किए हैं 45। यहाँ पे जो है बहुत सारे आप कितना सॉल्व किए हैं ऑब्जेक्टिव? 50 में 50 पूरा किए जिस। तो पेपर अच्छा गया है? पेपर अच्छा गया है। तो आप लोग बताइए सब्जेक्टिव का कैसे गया? सब्जेक्टिव पूरा बहुत अच्छा गया। 400+ आ जाएगा। 400+ आ जाएगा। 100 नंबर का पेपर। अरे तो इसमें केवल 400 थोड़ी बोल रहे हैं, पूरा मतलब पूरा सब्जेक्ट का सर 300 आ जाएगा। 350 नंबर आ जाएगा। 400 को पड़ेगा मीडिया। मतलब कितना तैयारी किए थे? बहुत मतलब ट्यूशन वगैरह किए थे कि अपना ऑनलाइन स्टडी किए थे? ट्यूशन किए थे। स्कूल में पढ़ाई कहाँ होता है? स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, मतलब ट्यूशन और ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन नहीं किए थे, ट्यूशन किए थे। ज्यादा 300 नंबर का तैयारी करके आए थे और उतना करके जाएंगे बस। बहुत बढ़िया है। और इधर भी जानते हैं आप लोग का जो है एग्जाम, आपका एग्जाम कैसा गया? अच्छा गया। आगे चल के क्या मतलब उम्मीद है, मैंने बनने का क्या लक्ष्य? नेता बनेंगे। इनका कहना है कि आगे चल के जो है नेता बनेंगे, पॉलिटिशियन बनेंगे। पेपर का लेवल कैसा था? लेवल मतलब एग्जाम का जो क्वेश्चन आया था टॉप था कि इजी था कि नॉर्मल था? पढ़ा है उसके लिए इजी था जो नहीं, मतलब ऐसा पेपर था कि कोई भी बच्चा जो पढ़ा होगा मेहनत किया है वो आराम से जो है इसको पास कर सकता है और अच्छे नंबर ला सकता है जी। और बताइए कैसा एग्जाम गया? बढ़िया गया। बहुत बच्चे आप लोग खुश हैं एग्जाम दे करके? जी। अंदर का माहौल ठीक है? जी एग्जाम अच्छा गया। नकल वकल हो रहा है क्या? नकल तो अब वही है जो नकल नहीं हो रहा है। माने पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जा रहा है और बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम अच्छा गया है। क्या बोल रहे हैं इधर? बहुत कड़ाई है, कड़ाई हो रहा है। हाँ तो देख लीजिए जो भी 10वीं क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है अभी भी समय जो बचा है उसमें अपना जी जान लगा के तैयारी कीजिए क्योंकि भाई का कहना है कि बहुत ही एग्जाम टाइट चल रहा है। जो पढ़ा है वही लिखेगा, जो नहीं पढ़ा है वो नहीं लिखेगा। जो पढ़ा है वही लिखेगा। हाँ यहाँ पे जो है कैसा गया आपका एग्जाम? एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, बट और अच्छा ट्राई करते तो मेरा और अच्छा एग्जाम जाता। मतलब इनका कहना है कि और मेहनत किए होते तो और अच्छा जो है मेरा एग्जाम जाता। फिर भी आप संतुष्ट हैं? हाँ बहुत अच्छा संतुष्ट है, बहुत अच्छा। कितना का एम कितना का है नंबर आने का? मेरा तो 95 नहीं 70-80 नंबर का टारगेट है, आ जाएगा। अच्छा भविष्य में क्या करने वाले हैं, क्या प्लानिंग है, ड्रीम क्या है? ड्रीम है कि अगर इसमें अच्छा रिजल्ट होगा तो आगे भी बीसीए विधायक बनना है। अच्छा आदमी बनना है, पढ़ लिख करके अच्छा आदमी बनना है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी स्टूडेंट है बहुत खुश यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बताइए? मैथ का एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया है। कितने क्वेश्चन सॉल्व किया? 60 नंबर आ जाएगा भैया। 60 नंबर। ऑब्जेक्टिव में कितना किए? ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बना लेकिन मार दिए हैं। मैथ में 100
ऑब्जेक्टिव है जिसमें से 50 ही करना है ना जी, तो आप ऑब्जेक्टिव में कितने किए? 50 तो मारे हैं। 50 मारे मैंने कंफर्म 50 सही है आपका क्या? उतना तो कंफर्म नहीं है लेकिन 50 मारे हैं। 50 मारे ठीक है, वैसे तो सब कोई 50 करके ही आया होगा लेकिन सब्जेक्टिव कितने नंबर का मतलब किए आप, उसमें से क्वेश्चन भी छूटा है क्या? छूटा तो है दो तीन क्वेश्चन छूटा है। ये कि यहाँ भी सेंटर पे ही बच्चे जो है लेट पहुँचे थे क्या कल या आज? ना नहीं पहुँचा था लेट। अच्छा यहाँ पे देखा ये एडमिट कार्ड है क्या आपके पास? इस पे कितना टाइमिंग लिखा है? यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग जो है 9:30 से एग्जाम स्टार्ट होता है, 9:30 से एग्जाम स्टार्ट होता है। एंट्री कितना बजे तक है? 9 बजे तक। 9 ही बजे तक एंट्री है बताइए, जबकि 9:30 से एग्जाम का टाइम है और 9 बजे ही गेट बंद कर दिया जाता है। जो लड़के जाम में फंसते हैं और 2 मिनट लेट करके आते हैं जबकि एग्जाम 9:30 से स्टार्ट होने वाला है और 9:02 पाँच मिनट पे आते हैं तब उनका एंट्री नहीं दिया जाता है। तो 9:02 एंट्री होता ही नहीं है, 9 बजे के बाद एंट्री होता ही नहीं। सर यहाँ पे यार कल से बोला जा रहा है कि 8:45 में अगर नहीं आएंगे तो 9 बजे एंट्री नहीं मिलेगी, सर लोग बोल रहे थे। अच्छा बताइए अगर कोई स्टूडेंट जो है जाम में फंस जाता है और 9:05 में आता है नहीं मिलेगा एंट्री, तो माने इसके पीछे आप लोग बताइए क्या मतलब कारण हो सकता है, रीजन बताइए, रीजन क्या हो सकता है कि 9:05 या 10 मिनट में एंट्री नहीं देने दिया? कल से तो वो भी बोल रहे हैं 8:45 में आना पड़ेगा, 8:45 में बोले हैं। अच्छा किसी लड़के का मतलब कल ऐसे हुआ था किसी के साथ? जी मेरे रूम का पार्टनर का साथ हुआ था। अच्छा तो ये तमाम जो है यहाँ पे मान्यता जो है मानसिकता बन चुकी है बिहार में कि जो लड़का लेट से आता है वो कहीं कुछ ना कुछ ले करके आता है, चीट वोट का प्रबंध करके आता है, इसीलिए उसको जो है 9 बजे के बाद एंट्री नहीं दिया जा रहा है। आप लोग बताइए कमेंट में कि क्या आपके साथ भी ऐसा अगर होता तो आप क्या करते?